हेडलाइंस पर एक नजर। बेगूसराय में दर्दनाक हादसा, नवटोलिया में सड़क किनारे ताश खेल रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा, 7 लोगों की मौत, मच गया कोहराम। कहलगांव में बोले सुशील मोदी, कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है महंगाई नियंत्रण, मध्यम वर्ग को राहत व देश को तेज आर्थिक विकास संभव। नाबालिग से रेप के दोषी की पत्नी के लिए राबड़ी देवी ने मांगे वोट, कहा राजवल्लभ जी को फंसाया गया। बंदरा के तेपरी महेशपुर में हाई टेंशन पोल पर करंट के चपेट में आया मिस्त्री, मौत के 3 घंटे बाद तक भी झूलता रहा सब। गया, नवादा, मुंगेर व भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा, कहा जात पर मत जाइएगा। आरा पूर्णिया में बरामद AK-47 मामले में NIA का छापा। मुजफ्फरपुर में CBI ने सेवा कुटीर की कराई मापी, भिक्षुक गिरी से जुड़ी फाइलों को खंगाला गया। गायघाट में निषाद समाज की हुई बैठक, चुनावी चर्चा। सकरा में हवाई फायरिंग मामले में अपराधी चिन्हित, 3 पर FIR। बंदरा के हत्था बेसिक स्कूल में छात्र अभिभावकों के बीच रिजल्ट की पब्लिश। मीनापुर झोझा से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस कर रही कार्रवाई। बरूराज में दहेज के लिए विवाहिता को घर से निकाला। मरवन के मकसूदपुर कोदरिया पुल के समीप बंधन बैंक के कर्मी से 70,000 रुपये की लूट। औराई में SBI बैंक के सामने कई माह से साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार रहने वाले आरोपी को CCTV कैमरा के आधार पर पब्लिकों ने पकड़कर धुनाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। मोतीपुर में ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर ट्रैक्टर लूटा। पारू में मैजिक पलटी, 4 घायल। पूसा बाजार में सिकुड़ती सड़क पर जाम की समस्या, कार्रवाई की उठी मांग। पटना सबसे हॉट है अपना पटना, 7 डिग्री ज़्यादा दर्ज हुई है तापमान। मौसम समाचार, अगले 2 दिनों में मौसम सुहाना होने तथा हल्की बारिश के हैं आसार।